चिल्ड्रन, यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन इन कैलकुलस क्लासेस. टुडे वी लर्न चैप्टर नंबर 6. द नेम ऑफ चैप्टर इज लीनियर इनइक्वालिटीज. आज हम चैप्टर नंबर 6 को सीखेंगे, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में सीखेंगे. इसमें हम सीखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सीखेंगे. तो चलिए चलते हैं. सबसे पहले हम सीखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन, कि लीनियर इनइक्वालिटी आखिर है क्या. ओके, सो योर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज. सो आप जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है. इक्वेशन में तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, हम छोटी क्लासेस में, इन द सेंस इन क्लास 9th, क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं इक्वेशन, जिसमें इक्वल टू का साइन होता है. सपोज आई एम राइटिंग ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ये इक्वेशन है. इन इक्वेशन का मतलब होगा एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट होगा एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी साइन आपके साथ या तो ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेसर देन और इक्वल टू, इन चारों में से कोई एक भी साइन अगर प्रेजेंट है इक्वेशन में, एक ऐसे स्टेटमेंट में जिसमें वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको हम कहेंगे इनइक्वेशन और सिंपली इनइक्वालिटी, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखना चाहेंगे कि ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन भी कह सकते हैं, और दूसरा भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन जीरो, या फिर मैं लिखूँ ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गई, इनइक्वेशन हो गई, या फिर हम इनको इनइक्वालिटी कह सकते हैं, है ना. ये इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा ना. इसमें इक्वल टू का साइन है. अब इक्वल टू के साइन को हम किससे रिप्लेस करना है, इन चारों में से किसी एक साइन से. कोई भी एक साइन अगर आ जाएगा तो आप उसको कहेंगे इनइक्वेशन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच. सो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज क्या होती है. आप जानते हैं न्यूमेरिकल क्या होते हैं. न्यूमेरिकल दैट मीन्स जिसमें कोई वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट ना हो, है ना. तो इनइक्वालिटीज विच डू नॉट कंटेन एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, उस तरह की इनइक्वालिटीज को आप कहेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं 3 is less than 7, ये दोनों न्यूमेरिकल नंबर हैं. देखिए न्यूमेरिक है, 3 जो है वो 7 से छोटा है, तो सही है ये 3 is lesser than 7. यहाँ मैंने लिखा है 2 is greater than or equal to -1, है ना. तो देखिएगा यहाँ पर इक्वल टू नहीं होना चाहिए था, इट इज ग्रेटर देन, बट आई एम जस्ट टेकिंग कि यहाँ इनइक्वालिटी में 2 is greater than or equal to, तो यहाँ से कौन भी ग्रेटर देन होना चाहिए था. ओके, सो आप समझ गए होंगे, यानी ऐसी इनइक्वालिटीज जिसमें वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उनको हम कहेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज. अब होती है लिटरल इनइक्वालिटीज. इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा ना. तो लिटरल इनइक्वालिटीज मीन्स विच कंटेन्स वेरिएबल्स आर कॉल्ड लिटरल इनइक्वालिटीज. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं x - y is greater than 0, ये देखिए यहाँ पर वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट है. यहाँ मैंने लिखा है x is greater than 5, इट इज ऑल्सो लिटरल इनइक्वालिटी. सो आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द थिंग्स, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज एंड लिटरल इनइक्वालिटीज. आगे चलते हैं हम. तो देखिए अब हम धीरे धीरे करके चीजों को सीख रहे हैं. अब इसके बाद हम जानेंगे कि लीनियर इनइक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, है ना. जैसे नाम से ही लग रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट होगा. तो अगर हम बात करते हैं कि कोई दो रियल नंबर्स हमारे पास है, लिखा ना, लेट ए बी अ नॉन जीरो रियल नंबर. ए जो है यहाँ पर ये एक नॉन जीरो रियल नंबर है, एंड एक्स भी है वेरिएबल, एक्स कोई वेरिएबल है. तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो, या ए एक्स प्लस बी इज लेसर देन जीरो, या फिर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड ए एक्स प्लस बी इज लेसर देन इक्वल टू जीरो, ये चारों के चारों जो फॉर्म हैं वो किसके फॉर्म हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज के फॉर्म है. और ये कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर, वी आर ऑब्जर्विंग ओनली वन वेरिएबल. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, और क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, बिकॉज ओनली वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व इन द इनइक्वालिटीज. आप समझ गए होगे. सो आप ध्यान रखिएगा कौन से वाले से फॉर्म से याद रखेंगे, ए एक्स प्लस बी इधर ग्रेटर देन, और ए एक्स प्लस बी लेसर देन जीरो,
और ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और वी कैन से ए एक्स प्लस बी लेसर देन इक्वल टू जीरो। तो सारे के जो हैं वो इन इक्वेशंस हैं बट इन वन वेरिएबल। आई होप आप ये भी समझ गए हैं। अब बात करेंगे हम लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब यहाँ आप देखेंगे ए और बी जो हैं दो नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। ध्यान रखिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ नॉन जीरो रियल नंबर्स, अगर ये जीरो हो जाएंगे ना तो ध्यान रखिएगा जो इनइक्वालिटीज होंगी ना वो टू वेरिएबल्स नहीं होंगी, वो सिंगल वेरिएबल हो जाएंगी अगर इनमें से कोई एक जीरो हो जाएगा तो, है ना। सो आप ध्यान रखेंगे कि दोनों नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए एंड एक्स और वाई कोई दो वेरिएबल हैं, तो हमारे लिए एक इनइक्वालिटीज होगी इधर इन द फॉर्म ऑफ, देखिएगा कौन से फॉर्म में हो सकती है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हो सकती है ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेसर देन सी, और ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और ए एक्स प्लस बी वाई इज लेसर देन इक्वल टू सी। ये चारों जो इनइक्वालिटीज हैं, ये चारों के चारों इनइक्वालिटीज जो हैं वो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं इन टू वेरिएबल्स। आई होप आप समझ गए होंगे, देखिएगा यहाँ पर भी लिखी हुई है आप ये देख पाएंगे, दीज आर द लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, नाइसली यू अंडरस्टूड द थिंग्स। सो नाउ वी कंटिन्यू, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखिएगा कि हम लीनियर इक्वेशन को तो हम सीख गए हैं कि लीनियर इन इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। अब हम क्या सीखेंगे, उनके सॉल्यूशन सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी। तो देखिए यहाँ जो सॉल्यूशन होते हैं इनइक्वालिटीज के वो जनरली जो हमारी इन इक्वेशंस होती हैं उनकी तरह नहीं होते हैं, इनके तरीके थोड़े से अलग होते हैं। सो हम यहाँ बात करेंगे वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स और वेरिएबल विच मेक्स द इनइक्वालिटी अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब कहने का ये है कि देखिएगा अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट ले लूँ 2x+5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो भैया मुझे यहाँ एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो इस इक्वेशन को हमेशा ट्रू करे। तो आप देखेंगे यहाँ हमको एक्स की जो वैल्यू है वो क्या रखनी पड़ेगी, -5/2 से ज्यादा रखनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये वैल्यूज होंगी किसकी, वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी, और वो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या कर रही होंगी उस स्टेटमेंट को ट्रू करने में, उसको ट्रू होने में हेल्प करेंगे। दैट मीन्स अगर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इन इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करेंगे वेरिएबल की, तो वो इन इक्वेशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। आप कहने का मतलब है कि भाई एक वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ एक अकेली वैल्यू तो है नहीं। देखिए अगर आप यहाँ रखते हैं एक्स की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो भी ये ट्रू है, देखिए 2 2 जो 4 + 5 इज ग्रेटर देन 0, तो 9 आपको पता है 0 से बड़ा होता है। अगर आप 3 रख सकते हैं तो 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, तो एक सेट होता है पूरा, ध्यान रखिएगा। तो हम उस सेट को क्या कहते हैं, द सेट ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, है ना। याद रखिएगा क्या कहेंगे हम उसको, सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए इस सॉल्यूशन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी चीजें और बताना चाहूंगा। आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था ना। मान लीजिए कि मुझे कोई वैल्यू लिखनी है, सपोज कि दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेसर देन 6, है ना। तो ये हमारा डिपेंड करेगा कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ऐसा, तो मैं किस सेट में लिखूंगा, देखिएगा ये लिखने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा, 2 एंड 6। देखिए यहाँ से क्लोज है, यहाँ से ये ओपन है ना। और याद रखिए अगर मैंने लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन 2 बट लेसर देन 6, तो ये दोनों साइड से ओपन होगा। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर काम आएंगी जो कि हम चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं इंटरवल्स ना। ये हमारा सेमी ओपन इंटरवल्स है और ये हमारा ओपन इंटरवल है। ऐसे हमने बहुत सारे इंटरवल्स जो है, 3-4 टाइप के इंटरवल्स जो है हमने सीखे थे चैप्टर 1 में, उनका हम यहाँ यूज करेंगे। जब ये आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ेंगे। सो आगे देखिएगा सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम वन वेरिएबल की इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं बेचार, तो अब उन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। हम इन इक्वेशन में सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं और सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। ध्यान रखिए तो क्या करना है हमको, बहुत ही बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सेम नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी।
अगर हम किसी भी नंबर को ऐड कर रहे हैं या किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोथ द साइड्स, तो उस केस में इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम टू सेम रहेगा। दिस इज रूल नंबर वन। ठीक, याद रहेगा हम सेम चीज को, सेम नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ना फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, इन इक्वेशन सॉरी ना। फिर दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आएगा, बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने लिखी है, बाय सेम पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। दैट मींस, कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से इन इक्वेशन को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, ध्यान रखिए फिर से सुनिएगा, अगर आप किसी इन इक्वेशन को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो दोनों साइड, तो इन दिस केस द साइन ऑफ इन इक्वालिटी विल नॉट चेंज। मतलब इसमें इन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। However, the sign of inequality is reversed when both the sides of an equation are multiplied or divided by a negative number. ना, तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये सेम काम आप नेगेटिव नंबर के साथ कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। देखिए, आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, आप देखना चाहेंगे कैसा हम क्यों होता है। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है, अगर मैं 5 को कहूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 2, अभी हम न्यूमेरिकल नंबर से देख लेते हैं तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये बात सही है कि 5 इज ग्रेटर देन 2, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ द साइड, तो कोई चेंज नहीं होगा। देखिएगा, हमको पता है 15 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 6, नो चेंज, है ना, पॉजिटिव नंबर से चेंज किया, हम मल्टीप्लाई किया है, और अगर हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर आप देखिएगा कि ये 5 इज ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 5 इज -5 इज ग्रेटर देन -2। देखिए, ये ट्रू नहीं है, ये सही नहीं है, सही नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ करेक्ट, है ना। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि 5 तो छोटा हो गया। तो हमको क्या करना पड़ता है, जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। आप समझ गए होंगे, देखो अब ये -2 जो है वो बड़ा है -5 से, कब ये ट्रू हुआ, जब मैंने साइन को चेंज किया। अगर ये मैं साइन चेंज नहीं करता तो ये सही नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टूड कि जब हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, है ना, इसको याद रखिए बहुत अच्छे से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन अ वन वेरिएबल ऑन अ नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे इनको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ना। सो देखिए, नंबर लाइन पे हम जो सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे वो वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस का, हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसानी से हो जाए। देखिए, मैं एल्गोरिथम बताऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना होता है, इफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व दिस साइन, ना, या तो ग्रेटर देन का साइन है या फिर लेसर देन का साइन है, इन दोनों साइन में ध्यान रखिए क्या है, इनइक्वालिटीज में कौन सा साइन है, या तो ग्रेटर देन है या लेसर देन है। देखिए, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, तो वी ड्रॉ एन ओपन सर्कल। देखिए, ओपन सर्कल मैंने ड्रॉ किया है नंबर लाइन पे, देख रहे होंगे आप, मान लीजिए ये ओपन, ये पॉइंट है आपका ओपन सर्कल ऑन द नंबर लाइन, विच इंडिकेट दैट नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ओपन सर्कल इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम बात करते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखिए, सपोज मैंने लिखा है 2x+4 इज ग्रेटर देन 0, सपोज आई एम राइटिंग, ना। सो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 4 को यहाँ से हटाने के लिए -4 करना पड़ेगा। अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पॉजिटिव नंबर है तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, तो x इज ग्रेटर देन -2। -2 से, तो मान लीजिए ये जो नंबर है वो -2 है, अब यहाँ ग्रेटर देन का साइन दिख रहा होगा आपका, तो मतलब आंसर आपका इसके नियर ट्रू होगा, एग्जैक्टली -2 इज नॉट एप्लीकेबल, है ना। एग्जैक्टली -2 जो है वो नॉट, है ना, ये लिखा ना यहाँ पर कि ओपन सर्कल इज नॉट इंक्लूडेड टू द सॉल्यूशन सेट, मतलब सॉल्यूशन सेट में सब कुछ है, है ना, -2 से बड़ा सब कुछ है बट -2 नहीं है, तो इसका मतलब ये ओपन, छोड़ दे, खाली जगह है, मतलब इस सॉल्यूशन में ये पॉइंट नहीं है, इसके नेबरहुड से जो स्टार्ट हुए पॉइंट वो इसके सॉल्यूशन है। आई होप आप समझ गए होंगे, इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे। देखिए यहाँ पर नंबर लाइन में 0 यहाँ होना चाहिए, है ना, क्योंकि 0 के बाद -2 होगा, एज पर द
सॉल्यूशन एज पर द कंडीशन हम इसको ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए यही बात अगर इक्वल टू साइन हो जाए, देखिए इस साइड में क्लियर ड्रॉ कर दिया है, आप देख रहे होंगे ये सेम कहानी है, ये ओपन इंटरवल वाली, जैसे ग्रेटर देन होगा तो इस साइड होगा, लेस देन होगा तो इस साइड होगा, ना लेफ्ट में जाएगा तो ये सेम कहानी हमारे पास आती है। अब देखिएगा कि अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हमको इस सर्कल को डार्क कर देना है, का मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स कि वो सॉल्यूशन भी इसमें प्रेजेंट है ना। जैसे मैंने एग्जांपल आपको लिया था कि एक्स टू एक्स प्लस सॉरी -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देखो इक्वल टू का साइन आ गया, मतलब इन इक्वेशन इनडायरेक्टली कुछ ऐसी होगी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब ये 2 भी इंक्लूडेड है, तो मैं इसको क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया है, सर्कल को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको डार्क सर्कल से डिनोट करना है, मीन्स इस सॉल्यूशन में ये नंबर भी इंक्लूड है इस कंडीशन के साथ। सेम कहानी ये लेफ्ट हैंड के लिए होगी, जैसे मैंने राइट हैंड के लिए बताई है, सेम कंडीशन जो है वो लेफ्ट हैंड के लिए जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है सर्कल को क्या कर देना है, डार्क कर देना है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। देखिए मैंने चैप्टर के सारे कंसेप्ट जो है एक साथ बता दिए हैं, अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशंस इन वन और टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल में भी हम ग्राफिकल सॉल्यूशन दे सकते हैं और टू वेरिएबल्स में भी दे सकते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, तो टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन और टू वेरिएबल्स ग्राफिकली इन अ प्लेन वी यूज द फॉलोइंग एल्गोरिथम। मैं आपको एल्गोरिथम बता रहा हूँ, जैसे पिछले केस में बताया था मैंने एल्गोरिथम, इन सेम वे यहाँ पर भी हम उस एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे और इजीली हम इसको समझ लेंगे, है ना। चलिए हम इसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने आता है कि अगर हमारे इन इक्वेशन में फिर से वही ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन, लेसर देन और ग्रेटर देन का कोई भी साइन लगा हुआ है, तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ऑफ द लाइन एज डॉटेड लाइन। ना देखिएगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने एक डॉटेड लाइन दोनों ड्रॉ की है। सो इस साइन में, जैसे मैं कहने का मतलब हो गया कि ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन ओनली सी, इस केस में आप देख रहे हैं कि ये वाला इन ग्रेटर देन का साइन है, या फिर आपकी इक्वेशन ऐसी हो सकती है ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन नॉट इक्वल टू, ना ध्यान रखिए ओनली लेस देन, लेस देन। सो जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा रब करके दिखा दे रहा हूँ, लेस देन सी। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, सो आपको यहाँ पर डॉटेड लाइन से इस इक्वेशन को, इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है ना। ध्यान रखिएगा इस लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये इक्वल टू का साइन आ जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साथ आ जाते हैं, तो हमको ग्राफ ऑफ द लाइन एज अ डार्क लाइन, ना डार्क लाइन से इसको इंडिकेट करना है। ओके, इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट तो है ही, देखिए उसका सिग्निफिकेंस भी समझ लीजिए कि क्या डिफरेंस है। जो डॉटेड लाइन है वो हमने इमेजिन किया है कि ये हमारी बॉर्डर है, पर उससे बड़ा हमारा सॉल्यूशन है, और इस डार्क लाइन का मतलब है ये बॉर्डर भी हमारी है और इस बॉर्डर से आगे की कंडीशन जो हो रही वो भी हमारा। आई होप यू अंडरस्टूड, सॉरी फॉर। सो हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए आप देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन एज वेल एज इन द प्लेन, बट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स ऑफ द टाइप, कौन सी वाली टाइप, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, और ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी। इस केस में आपको ध्यान रखना ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होंगी, इनके सॉल्यूशन हमेशा और हमेशा हम प्लेन में ही रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व, दे आर ऑफ द टू वेरिएबल्स, मतलब वो दो वेरिएबल वाली इनइक्वालिटीज हैं, तो वो हमेशा प्लेन में आएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट्स हैपनिंग है। टू और मोर इनइक्वालिटीज टेकन टुगेदर कंप्रेसाइज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज एंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज आर द सॉल्यूशन कॉमन टू ऑल द इनइक्वालिटीज कंप्रेसाइजिंग
सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं, जैसे क्लास 10th तक हम पढ़ते थे लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ऐसे ही यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हो जाएगा। मतलब एक से ज्यादा अगर इनइक्वालिटीज हैं तो उनके सारे सॉल्यूशन जो होंगे उनको हम कॉमन सॉल्यूशन के फॉर्म में देखेंगे। मतलब सारी इनइक्वालिटीज जो हैं उस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम कॉमन सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज कहेंगे, या फिर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज कहेंगे, है ना। इसको हम देखो डिटेल में देखेंगे जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए, आई एम टेकिंग सम शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन। एग्जाम्पल 1, सॉल्व द इनइक्वालिटी। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक इनइक्वालिटी दिख रही होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनइक्वालिटी, आई एम राइटिंग हियर सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग नाइसली। इफ यू विल बी पेइंग द अटेंशन, तो आपको ये थोड़ा सा आसान लगेगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ 3x-5 इज लेसर देन x+7। ओके, एज वी हैव डिस्कस्ड, हमने पीछे डिस्कस किया है कि हमको जो भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो मैं यहाँ इस 5 को हटाने के लिए क्या करूंगा, एड 5 बोथ साइड। यहाँ पर हम एड 5 कर देंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x-5+5 इज लेसर देन x+7 एंड +5। देखिए ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, देन 3x इज लेस देन दिस इज x+12। अब मुझे यहाँ से x को रिमूव करना है, तो हाउ टू डू, तो देखिए यहाँ पर हम x को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम आई एम नॉट, मैं लिख नहीं रहा हूँ ना कि भाई हमको 5 को सब x को सब्ट्रैक्ट किया। अब समझ जाना कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया है कि आई एम सब्ट्रैक्टिंग एक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो देखिए मैंने यहाँ से एक्स को बोथ द साइड से सेपरेट कर लिया है, तो व्हाट विल कम, देखिए आपको हम दिखेगा, मैं आई एम टेकिंग नेक्स्ट पेज, ये दिखेगा 3x-x इज लेसर देन x-x+12। सो आपको यहाँ मिलेगा 2x इज लेस देन 12। अब हमको डिवाइड करना है 2 से, तो आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2। सो ये हो जाएगा 2x/2 इज लेस देन 12/2, देन 2 2 कैंसिल, दे 2 6 12, एक्स इज लेस देन 6। ओके, अब आप देखिएगा कि सॉल्यूशन में हमको चाहिए क्या था। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पीछे की स्लाइड दिखा रहा हूँ। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, आपको इस कंडीशन में नेचुरल नंबर दिखाना है, फिर होल नंबर, देन इंटीजर, देन अ रियल नंबर। इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए इस सॉल्यूशन को लिखना है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे कि एक्स इज लेसर देन 6, बट एक्स मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। तो आपको पता है 6 से छोटे नेचुरल नंबर होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे पहला सॉल्यूशन क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ना एक्स जो है वो कौन सा नंबर है, हमारा नेचुरल नंबर है। तो कहाँ से आंसर आना चाहिए हमारे, और आंसर विल बी, देखिए आंसर हमारा एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर इज अ नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर है, तो देन क्या होगा हमारे पास, देन सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए, आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन, यहाँ लिख दूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 4 एंड 5। आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि एक्स जो है 6 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारे सॉल्यूशन में 5 नंबर होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड 5। देन सेकेंड क्वेश्चन था एक्स इज अ होल नंबर। तो देखिए अब आपको होल नंबर है, सो आप इसमें क्या लगा देंगे, सेकेंड कंसेप्ट में एक्स इज अ होल नंबर। ना एक्स जो है वो होल नंबर है, तो क्या डिफरेंस आया हमारे पास क्वेश्चन में, एक एक नंबर हमारा एक सॉल्यूशन में एक एलिमेंट बढ़ गया है, वो इज अ होल नंबर। सो देन सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0 भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा, ना। देखिएगा कि 6 से छोटे ना होल नंबर ये होते हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था मतलब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कि एक्स जो है वो होल नंबर के बाद इंटीजर होना चाहिए और लास्ट वाला रियल नंबर, है ना। देखिए आई एम शोइंग एक्स जो है थर्ड केस में एक्स इज एन इंटीजर, एक्स जो है वो इंटीजर है। अब इंटीजर है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अब इंटीजर में तो देखिए 6 से छोटा, तो इंटीजर देखिए हम लिखना शुरू करेंगे, 6 से छोटा तो 5 हो गया, है ना, 4 हो गया, 3
थ्री हो गया, टू हो गया, वन हो गया, सॉरी प्लस वन, मैंने प्लस लिख दिया है, कंफ्यूजन हो जाएगा, वन हो गया है ना, फिर देन वन के बाद क्या रहेगा, जीरो आ जाएगा ना, तो वन जीरो एंड माइनस वन एंड सो वन, ये कहां तक जा सकता है, इट कैन गो अप टू इंफिनिटी, पर आपको लिखना ध्यान रखिए सेट वाले ब्रैकेट में ही। अब लास्ट हमारा है लास्ट आंसर कि एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, एक्स इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर की क्या कहानी है इसको समझिए, रियल नंबर मतलब ये देखेंगे हम कि मैं थोड़ा सा नंबर लाइन वाला फंडा ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ हमारा कहीं जीरो होगा और ये हमारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर होगा। अब इसमें देखेंगे ये 6 में जो हमारा कहने का मतलब है, मैं अभी आपके आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको ब्लैंक कर दे रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है ये ब्लैंक होगा। ब्लैंक होगा क्यों होगा, अभी हमने पढ़ा था है ना, मैं भी अभी तो मैं आपको ग्राफिकल मेथड नहीं बता रहा हूँ लेकिन मैं आपको कंसेप्ट तो वही लेके चलूंगा। देखिए 6 पॉइंट है ना, ये 0.6 है, 6 इनइक्वालिटी में हम कौन सा साइन देख रहे थे, ये वाला साइन था, तो इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, तो इससे बड़ा नंबर हमारा जो है, सॉरी छोटा नंबर जो है एक्स का वो चाहिए, और वो कहाँ तक जा सकता है, अप टू इन्फिनिटी। आई होप आप समझ रहे होगे। तो ये देखिएगा, ये मैंने आपको कलर कर दिया यहाँ पर, दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग येलो कलर, सो आप अच्छे समझ पाएंगे। तो इसमें इस डायरेक्शन में आप कहीं तक भी जा सकते हैं एक्सक्लूडिंग दिस 6। सो इसका सॉल्यूशन जो है वो किस फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन जो है वो होगा आपका 6 यहाँ से ओपन ब्रैकेट और अप टू माइनस इन्फिनिटी, और दिस इज ऑल्सो, आप समझ गए होंगे कि इस टाइप से हम लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, आई एम जस्ट थिंकिंग कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। सो देखिए देखते चलिए, सो हम यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे आई एम जस्ट यूजिंग द अदर इंटरफेस, तो आपको थोड़ा सा तो और दिखेगा क्योंकि साइज थोड़ा काफी बड़ा हो तो नहीं, लेकिन है, जस्ट वेट, आई एम जस्ट एडजस्टिंग द साइज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके सो आप देखेंगे कि नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चन, कि ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, सो वील कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। सो आप देखेंगे क्वेश्चन है सॉल्व 30x इज लेसर देन 200। देखो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन इज दिस इज 30x इज लेस देन 200। सबसे पहले हम 30 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर ये 30 से डिवाइड कर दिया तो ये होगा x इज लेस देन दिस 0 कैंसिल, दिस इज 20/3। ओके आप ये फिर से वही बात बोल रहे हैं, 20/3 तो देखा जाए 3 6 18 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा है ना, मतलब इसको अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 20 डिवाइड 3, सो 6 3 जा और 3 6 18, देन 2 विल बी कैरी, सो देन अगेन 0, सो 2 6 जा, सो 3 6 जा 18, सो 6.6 आएगा। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यूज 6.6 से छोटी हो और क्या हो, नेचुरल नंबर हो। देखिए कैसे आएगा ये, आप देखिए इसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, ये आएगा आपका ऐसे कि एक्स इज लेसर देन 20/3 एंड फर्स्ट आंसर इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और 6/3 से सॉरी 20/3 से छोटा है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा सॉल्यूशन में, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, देन 6 भी होगा क्योंकि 6.6 आ रहा है वो है ना, उसे छोटा चाहिए हमको तो 6 भी आ जाएगा। ठीक है समझ गए हो गया आई थिंक, एंड एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर भी है, तो देखिए हम दूसरा सॉल्यूशन लिखेंगे कि एक्स इज एन इंटीजर, एक्स जो है एक इंटीजर है, तो देखिए हमारे पास इंटीजर कहाँ शुरू होगा, देखिए ये भी 6 होगा, 6 हो गया, देन ये 5 हो गया, देन 4 हो गया, सॉरी 4 में हमारा -4 नहीं होगा, ओनली 4 होगा, 4 होगा, देन 3, देन 2, देन 1, 0, -1 एंड सो ऑन ना, ये इस तरह से चलेगा, तो ये इंटीजर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन है ना, आप समझ गए होंगे दोनों टाइप के सॉल्यूशन क्या हो गए, हमारे पास पहले केस का सॉल्यूशन हो गया, ये फर्स्ट केस का सॉल्यूशन हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड सेकेंड केस का सॉल्यूशन हो गया हमारा
ये माइनस इनसे चलता जाएगा और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो -1, 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6 से स्टार्ट करना है आपको। यहाँ से ध्यान रखिएगा क्योंकि 6 के बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। सो नाउ आई विल बी सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा 4x+3 इज लेसर देन 6x+7, है ना। तो देखिए पहले मैं क्या करना चाहूंगा कि पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ से 7 को हटा लिया जाए ना। तो 7 को हटा लें चाहे तो यहाँ से, या चाहे तो 3 को हटा लें अगर आपका मन कर रहा है तो। चलिए पहले हम 3 को हटा लेते हैं ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको 3 को हटाने के लिए, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम बोथ द साइड्स। एक बात ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप ये पूरा पूरा लिखें, एक पास डार्कली भी करते जाएंगे तो समझ जाएगा एग्जामिनर। सो मैं आपको चाहता हूं कि अभी एक प्रोसेस आप अच्छे से समझ लें, वैसे तो हमने समझ ली है। सो टू रिमूव दिस 3, मैंने इस 3 को रिमूव करने के लिए आई सब्ट्रैक्टेड 3 फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो आपको यहां मिलेगा 4x इज लेसर देन 6 एंड प्लस यहां पे आपको 4। अब मैं क्या करना चाहता हूं, देखिए माइनस में यहां से 6 को रिमूव करना चाहता हूं, तो मैंने क्या कर दिया, 6x को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखिए यहां पर कर दिया है मैंने सब्ट्रैक्ट इसको। सो देखिए अब इसको हम सब्ट्रैक्ट तो कर चुके हैं, तो इसके बाद एक बार देख लें फिर से, लास्ट टाइम हमारी क्या थी, यहाँ थी 4, सॉरी यहाँ पर मैंने एक्स लिखना भूल गया था, एक्स लिख दिया, सॉरी वी हम यहाँ से 6x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, इसको मैं कल करेक्ट कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, आई एम करेक्टिंग देम। ये एक स्टेप को मैं फिर से लिख रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। तो हमको क्या करना है एक बार फिर से देखिएगा, आज समझिएगा इसको थोड़ा सा, कि यहाँ पर हमको इस 6x को हटाना है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 6x फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो ये 6x-6x+4 है ना। सो ये आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इस स्टेप को रिपीट कर ले रहा हूँ ताकि हमको बार बार पीछे जाना नहीं पड़ेगा, मैं रिपीट कर ले रहा हूँ। तो देखिए रिपीट करके मैंने लिख दी यहाँ पर स्टेप। सो आप यहाँ देखेंगे माइनस का 2x इज लेसर देन, यहाँ बचेगा आपको ओनली 4, है ना, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, -2 से डिवाइड करना, तो डिवाइड बाय -2। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि माइनस के नंबर से अगर हम प्लस, सॉरी माइनस के नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है ना। देखिएगा तो यहां से तो कैंसिल हो गया, तो सॉरी चेंज नहीं किया है, वेट वेट वेट, आई एम जस्ट चेंजिंग इनइक्वालिटी साइन। आपको मैंने अभी बताया ना, फिर से बताना चाहूंगा कि इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो जस्ट आई चेंज द इनइक्वालिटी साइन। देखिए ऐसा साइन है तो ये ऐसा हो जाएगा, हम देख रहे होंगे आप, ये ग्रेटर देन लेसर देन का साइन था, ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देन एक्स इज ग्रेटर देन -2। तो देखिए यहां पर भी हम देख रहे हैं कि केस हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं कहा है। देखिए क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा है तो हम कौन सा आंसर निकालना है, हमको रियल वैल्यू निकालनी है। देखिए एक बार फिर से देख लें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है तो हम क्या सपोज करेंगे कि एक्स इज रियल, एक्स जो रियल है तो उसका सोल्यूशन कैसे आना चाहिए। देखिए आई बी यूजिंग द नंबर लाइन कंसेप्ट, आपके सामने नंबर लाइन कंसेप्ट में यूज करूंगा तो आपको और अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। तो देखिए आई ड्रू द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे यहां से, ये नंबर लाइन हो गया। अब इसके बाद इस नंबर लाइन पर मुझे उस पॉइंट, तो पहले मैं 0 का सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि दिस इज द नेगेटिव साइड एंड दिस इज द पॉजिटिव साइड। देन हमारे पास नंबर क्या निकला था, हमारे पास नंबर था -2, तो -2 जो है वो यहाँ कहीं होगा, तो उसके लिए अब -2 में भी आप देख रहे हैं कि ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्कल को ब्लैंक करना पड़ेगा। देखिए 1 यहाँ आएगा तो 2, देखिए ये हमारा ब्लैंक कर दिया मैंने इसको इतना पोर्शन। अब इसमें मुझे सर्कल ड्रॉ कर लेना, तो ये आई एम ड्रॉइंग द सर्कल एंड क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, तो आप ये -2 लगा दीजिए यहाँ पर और इससे बड़ी होगी मतलब इन दिस डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर ना आई एम जस्ट यूजिंग डिफरेंट कलर, सो आप अच्छे से समझ पाएंगे उसको। देखिएगा ये मैं आपको कलर, तो ये आप कहाँ तक जा सकते हैं, यू आर फ्री टू गो अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉरी ये वाला ब्रैकेट नहीं होगा, -2 से प्लस इनफिनिटी,
द साइड से ये ओपन ब्रैकेट होगा, मतलब -2 तो इन्फिनिटी है ही नहीं, और इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड होता ही नहीं है सोल्यूशन में, इट इज ऑलवेज ऑलवेज ओपन इंटरवल, ओके फ्रॉम इन्फिनिटी साइड। तो आई थिंक आप इतना समझ गए हैं, बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझ गए होंगे। देन आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा अभी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये तो हम समझ गए हैं अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 7x+3। तो देखिए आई एम राइटिंग द क्वेश्चन 7x+3, सो दिस इज 7x+3 इज लेसर देन 5x+9। सो सबसे पहले मैं यहाँ से 7x से माइनस करना चाहूंगा 5x को, क्योंकि 5x यहाँ से पहले रिमूव हो जाएगा। नो मैटर ऑर्डर आप कोई भी ले सकते हैं, पहले x वाली टर्म को रिमूव करें या पहले कांस्टेंट टर्म को रिमूव करें। यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x, है ना, ये देखिएगा 2x आ जाएगा यहाँ पर, देन +3 इज लेसर देन यहाँ हो जाएगा 9। आप मुझे किसको हटाना है, नाउ आई वॉन्ट टू रिमूव 3, 3 को रिमूव करना है अपन को। देखिए ध्यान से देखते चलिए, आप देखते रहिए ना अच्छे से। 3 को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x+3 -3 इज लेसर देन 9 -3, है ना, देखिएगा यहाँ पर लेस देन का साइन था हमारे पास, तो यहाँ से हट गया है 2x इज लेसर देन 6, है ना, क्योंकि देखिए 3 से 3 कट गया है, 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन 3। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यू शुड यूज द नंबर लाइन कंसेप्ट, जो है कि इजीली आपको समझ में आ जाएगा नंबर लाइन कंसेप्ट, और आसान से प्लॉट करने के वाले केस में भी इजी है और प्लस आसानी से समझने वाला है। तो देखिए यहाँ पर भी हम साइन कौन सा देख रहे हैं, नाउ वी आर ऑब्जर्विंग साइन कि ये जो है 3 जो है वो ब्लैंक होगा, क्योंकि हाँ साइन आप देख रहे हैं लेसर देन का साइन है। सो आप देखिएगा मैंने इसको ब्लैंक कर दिया है और इसको मार्क कर दिया 3, अब 3 से छोटा है, सो हमको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आप ये समझ गए होंगे कि वी हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि एक्स का वैल्यू जो है वो छोटा है इससे 3 से, तो आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, हाईलाइट कर दिया है। सो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए हमारा, आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन हियर, आप यहाँ देख के समझ जाएंगे। सॉल्यूशन हमारा होगा, सॉरी अगेन एंड अगेन आई एम यूजिंग दिस ब्रैकेट, -∞ and 3 ओपन ब्रैकेट, समझ गए, -3 से, सॉरी 3 से -∞। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो नाइसली। देन हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, प्रॉब्लम टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे। तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। दो एग्जाम हुए हैं एक टर्मिनल एग्जाम में, सो फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जाम में उसने 62 और 48 मार्क्स लिए हैं। अब आपको बताना है कि क्या बताना है आपको कि देखिए फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव द एवरेज, एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, मतलब वो फर्स्ट डिवीजन बनाना चाहता है और आपको बताना है कि भाई फाइनल एग्जामिनेशन में वो कितने मार्क्स लाए जिससे कि उसका जो एवरेज है एग्रीगेट है वो 60% या 60 मार्क्स से ज़्यादा या कम से कम उतना तो हो ही जाए। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने लेट कर लिया, लेट एक्स मार्क्स ना मुझे नहीं पता है कि कितना आर रिक्वायर्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन, हम सपोज कर लें कि एनुअल एग्जामिनेशन में उसको एक्स मार्क्स की जरूरत है ना, सो एवरेज कितना आना चाहिए, एवरेज बोल रहा है कि एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स ना, एवरेज जो है वो एटलीस्ट का साइन होता है, ध्यान रखिए मोर देन और इक्वल टू मिनिमम साइन है हमारे पास, एटलीस्ट जो है 60% मार्क्स उसको कम से कम लाना है, 60 और 60 मार्क्स का एवरेज लाना है। एवरेज कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास कितने कितने मार्क्स थे, देखिएगा 62 है तो ये 62 हो गया फर्स्ट टर्मिनल का, सेकंड टर्मिनल का 48 हो गया, और एनुअल एग्जाम का मैंने एक्स ले लिया, कितने नंबर हैं, 3 है तो मैं 3 लिखूंगा, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 60। आई होप आप समझ गए होंगे इसको, देखिए फिर से देखिएगा इसको, समझ गए होंगे आप, आपका एवरेज कैसे निकालना है, आपको तीनों नंबर को प्लस कर देना है और 3 से डिवाइड कर देना है। अब 48 प्लस 62 कितना आएगा, 110। ओके इसको आप फिर देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इन द सेंस शॉर्टकट इन द सेंस कि कोई जरूरी नहीं हम हर स्टेप को दिखाएं,
हम कुछ स्टेप्स को कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इन द सेंस, देखिएगा ये हो गया 110 + x और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 × 3। मैंने लिख के नहीं दिखाया कि भाई 3 का हमने मल्टीप्लाई किया बोथ द साइड, तो ये हो गया 110 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 180। एक्स इज ग्रेटर देन 180। मैंने देखो यहां पर भी एक स्टेप को रिड्यूस कर दिया है, मैंने दिखाया नहीं भाई दोनों साइड मैंने सब्ट्रैक्ट किया होगा 110 को ना, तो हाउ मच मार्क्स आर कमिंग, कम से कम उसको 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर उसको एवरेज, एटलीस्ट एवरेज जो है 60 लाना है। तो आई थिंक आप समझ गए, इजी क्वेश्चन था ये भी, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ये तो क्वेश्चन आई वॉन्ट टू लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इट इज वेरी इजी, तो आप इसको कर सकेंगे वैसे ही जैसे कि हम करते हैं क्वेश्चन। एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर, क्वेश्चन इज 24x इज लेसर देन 100, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं चाहे तो। देखिए कुछ ही पलों में आप कर पाएंगे क्वेश्चन बहुत, अब जब आपको अच्छे से क्वेश्चन आने लगेंगे तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी देखिए डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि एक्स इज लेसर देन कितना बचेगा यहाँ पर 6, 4 6 एंड 25, 25/6, 25/6 है, तो आप इसको अब अकॉर्डिंगली इन दोनों बेसिस पे आप आंसर लिख लीजिएगा। आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, आई होप यू विल डू इट, है ना, आप इसको कर पाएंगे। एंड नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई थिंक दिस इज द सेम क्वेश्चन ना, तो रिपीटेड क्वेश्चन है तो प्लीज लीव इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज ऑल्सो द सेम टाइप, बट देखिए यहाँ पर माइनस साइन लगा है, तो अगर आपको लगता है कि वी शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, देखिएगा -12x इज ग्रेटर देन 30। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू डिवाइड बाय दिस इन इक्वेशन बाय -12। सो देखिएगा यहाँ पर -12 से, आप देखिए मैंने यहाँ पर साइन अभी चेंज नहीं किया है, पर आपको पता होगा कि अगर हम माइनस के नंबर से किसी भी इनइक्वालिटी को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको साइन चेंज करना पड़ेगा, तो आई हैव टू चेंज दिस साइन। सो दिस एक्स इज लेसर देन 6, 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12, तो -5/2 एक्स लेस देन। आप समझ गए होंगे इसको किस तरह से सॉल्व करना है, मैं अब शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखिएगा ये हमारा हो गया 0 और -5/2 से छोटा है ना, एक्स इज लेस देन, तो -5/2 पर वही वाली बात जो हम करते हैं हमेशा, कि इसमें हमको क्या देना पड़ेगा, ब्रेक देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पर। सो आप इसको दे दीजिए सर्कल खाली यहाँ पर, और माइनस का 5/2 यहाँ पर आ गया और इससे छोटा है, तो माइनस का 5/2 से छोटा, तो ये और उधर चला जाएगा, दैट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन। अब कैसे बनेगा, -∞ एंड -5/2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सोल्यूशन ना, द सेम क्वेश्चन इज देयर, है ना। ये अब ये तो हमारे पास, अच्छा एक चीज और यहाँ पर मैं आई फॉरगॉट टू से, क्योंकि पिछले केस में ये मैंने आंसर जो लिख रहा हूँ ना, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्स इज नेचुरल नंबर है और एक्स इज इंटीजर है, बट ये जो मैंने आंसर लिख रहा हूँ, दिस आंसर इज एप्लीकेबल फॉर व्हेन एक्स इज रियल नंबर, याद रखिए बहुत, है ना, एक्स इज रियल, ये रियल के लिए है ना, ध्यान रखिए। नेचुरल नंबर के लिए तो आप देख ही रहे होंगे कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन फॉर नेचुरल नंबर, नो सॉल्यूशन, समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा एक बार कि एक्स हमारे पास कंडीशन क्या है, कि वी हैव द कंडीशन कि एक्स इज नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर तो हमको कोई है ही नहीं, यहाँ पर आप देख ही रहोगे ना, आप देख रहे हैं अच्छे से, आप समझिए थोड़ा सा अच्छे से समझिए इस चीज को, कि यहाँ कंडीशन है एक्स इज लेस देन -5/2, है ना। सो हम क्या लिखेंगे, फॉर व्हेन, हम यहाँ लिख देंगे व्हेन एक्स इज आ नेचुरल नंबर, तो इसका क्या आंसर होगा नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर, तो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन, दैट मींस वैकेंट सॉल्यूशन है, एम्प्टी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके आई होप यू अंडरस्टूड ना। और सेकंड केस हमारा है इंटीजर, इंटीजर के केस में आप देख सकते हैं आंसर इंटीजर, सो व्हाट विल बी द आंसर इंटीजर के केस में, -5/2 से छोटा, तो 2.5 हो गया ये, है ना, माइनस का 2.5, 2.5 से छोटा क्या होगा इंटीजर, 3 होगा, तो सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होगा आपका, ध्यान रखिए सॉल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम -3, -4, -5 एंड सो ऑन, है ना, ये आपका
इंटीजर के केस में, क्योंकि 2.5 है, 2.5 इज नॉट इंटीजर, 2.5 से छोटा चाहिए हमको तो 3 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड नाइसली। तो मैंने यहाँ पर तीनों सॉल्यूशन बता रही है, ऑल्दो कि यहाँ सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है वो और इंटीजर की, बट मैंने आपको रियल नंबर वाला फंडा भी बता दिया। तो दीज ऑल क्वेश्चंस विल बी सेम, देख रहे होंगे आपको ये भी इस तरह से सॉल्व होंगे। तो आई थिंक यू विल बी ट्राइंग दीज क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएंगे, है ना, ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं होगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आप चाहें तो इनमें से कोई, देखिए यहाँ पर जैसे बोल रहा है ना सेकेंड क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू से द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड वन, दिस 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। सो आपको पता है कि यहाँ x इंटीजर है, तो मैं सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना चाहूंगा 8 को बोथ द साइड्स, तो 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन -6। सो x से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब इंटीजर में तो आपको दिख ही गया है -2 से बड़ा, सॉरी हाँ -2 से बड़ा। तो पहला केस का इंटीजर, इंटीजर में क्या सोल्यूशन होगा हमारा, -2 से बड़ा तो क्या आएगा -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ओके, ये हमारा हो गया इंटीजर। और अगर रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर में तो साफ साफ ही दिख रहा है कि -2 से +∞, है ना। आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं इनइक्वालिटीज को, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन में, एज आई थिंक कि आप अच्छे से आ गए हैं। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू कवर दिस, थोड़ा सा एक बड़ा सा क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि भाई इस टाइप की इनइक्वालिटीज होंगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ना। तो मैं इसको भी एक क्वेश्चन कवर कर ले रहा हूँ। तो देखिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है, तो आपको क्या करना है, जो नीचे आपको नंबर दिख रहे हैं 3 है 4 है 5 है ना, इनको क्या करना है आपका एलसीएम लेना है। तो आप देखेंगे एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 क्या मिलेगा, देखो 60 आएगा। देखिए आप 4 और 5 तो एक दूसरे में आने वाले, ये तीनों नंबर एक दूसरे के फैक्टर नहीं है ना, आप देख रहे होंगे ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम है ना, को प्राइम है तो मल्टीप्लाई कर दो इनका सारा, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 60। जो भी एलसीएम वाला नंबर आए उससे पूरी इन इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखिए 60 ये हो जाएगा 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2/4 इज मल्टीप्लाई बाई 60 -2 - x/5 into 60। आप देखेंगे यहां पर क्या होने वाला है, यू विल फाइंड कि देखिएगा ध्यान से कि यहां पर इसको हम कैंसिल कर देंगे ना, यहां से हम कैंसिल कर पा रहे हैं इसको, देखेंगे अच्छे से तो इट दिस विल कैंसिल। तो मैं आपको कलर चेंज करके कैंसिल कर दे रहा हूँ ताकि आपको सीधे सीधे देखिए, इट विल बी 20, ये आपका 15 और ये आपका 12 है ना। सो देखिए इसको अब आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको अंदर, सो आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में, आप देख लेंगे अच्छे से। सो इसको हम देख लेते हैं, 20 × 2 सो 40x आ जाएगा, ये दिस इज 40x - 20 ना, देखिएगा आप ध्यान से 40x - 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 - 30 है ना, इट विल बी 45x - 30। माइनस साइन क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास बना हुआ है, माइनस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, 12 × 24 - 12x हो जाएगा 24 - 12x। सो अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, सो ये हो जाएगा 40x - 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज 45x - 30 एंड -24 एंड +12x। सो इट विल बी 40x - 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज 45 + 12, तो कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर देते हैं 45 + 12 तो इट विल बी 57x ना, और ये हो जाएंगे दोनों 54 है ना, देख रहे होंगे आप ये 54 हो गया है। नाउ आई वांट टू रिमूव दिस 20 फ्रॉम हियर फर्स्ट, सो हम लिखेंगे 12 40x - 20 देन +20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x - 54 एंड देन +20। तो ये बचेगा आपका 40x, देन 40x के बाद यहाँ बचा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x
एंड यहां कितना बचेगा आपका, देखिएगा ये आपको बचेगा फिर से 34, है ना। सो अब मैं इसमें से क्या करने वाला हूँ, 40x-57x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x-57x-34। आई होप आप समझ गए होंगे 57x को हमने क्यों ऐसा किया है, इसको हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिएगा आपके पास एक बार फिर से देख लें आपको यहाँ क्या बचने वाला है, 57 में से आप माइनस करेंगे 40 तो आपको 17 मिलेगा, बट -17, है ना। सो ये हो जाएगा 17x बट नेगेटिव, एंड हियर यू विल फाइंड -34 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -34। देखेंगे आप अच्छे से, है ना, क्योंकि देखिएगा अब आपको क्या करना है, -17 से डिवाइड करना है। -17 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है दिस साइन मस्ट बी चेंज्ड, ये साइन जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। अब आपके पास कुछ कंडीशन नहीं दी थी, मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये रियल नंबर है। रियल नंबर के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, यू शुड यूज नंबर लाइन टू अंडरस्टैंड इट। देखिए यहाँ पर 0, ये 1 और 2। अब इक्वल टू का साइन देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आ गई है, एक क्वेश्चन आ गया है, एक सर्कल हमको लेना है लेकिन सर्कल को इस बार डार्क करना है, बिकॉज दिस 3 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने सर्कल को, सॉरी 2 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, 2 हो गया बट लेस देन है तो इसे छोटा होगा, मतलब इट विल गो इन दिस वे, इन दिस डायरेक्शन, है ना, इस डायरेक्शन में आपको जाना है। अब यूज द अदर कलर, आपको दूसरा कलर यूज करना है। देखिए ये आपका हो गया है, यहाँ पर ये वाला मार्क है, -2 है ये, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तक आपको जाना है 2 से, बट 2 से ये क्लोज है और यहाँ से ये ओपन इंटरवल है, दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो। इस टाइप के कोई क्वेश्चन होंगे तो आप उसको भी अच्छे से कर पाएंगे। आई थिंक ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप इजिली आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास सामने एक क्वेश्चन और आ गया है, दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, हम इस प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। So, इसमें देखेंगे रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट, जैसे हमने क्वेश्चन किया था पिछला, सेम क्वेश्चन है देखिएगा ना, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आई विल बी सॉल्विंग इन द सेम वे। देखिए ये 70 हो जाएगा, ये 75, जैसे आई एम टेकिंग थर्ड मार्क्स और थर्ड यूनिट टेस्ट को मैं एक्स ले ले रहा हूँ, एवरेज आपको चाहिए 3 से डिवाइड, एंड एटलीस्ट वही 60 मार्क्स है ना, एटलीस्ट आपको 60 मार्क्स चाहिए। So, आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 70 और 75 है, तो उनका हम प्लस करेंगे तो 145 आ जाएगा, प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, सो एक्स मस्ट बी, व्हाट्स द कंसेप्ट ऑफ दिस, कि एक्स मस्ट बी, इट मींस एक्स की वैल्यू जो है कम से कम 35, मतलब एटलीस्ट 35 मार्क्स ही शुड और शी शुड गेट टू हैव एन एवरेज ऑफ 60, एटलीस्ट 60 मार्क्स, 60 मार्क्स का एवरेज लाने के लिए उसको कम से कम थर्ड यूनिट टेस्ट में 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब उसके बाद ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे ना, अब आपको टफ नहीं लग रहा होगा। आई वॉन्ट टू टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेल। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, सेम क्वेश्चन है ये भी ना, ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है कि इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पर चार पांच यूनिट पांच टेस्ट हो गए हमारे पास ना, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ सुनीतास मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर, फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन वही हो गया हमारे 87, 92, 94, देन 95 एन अपॉन 5 एंड प्लस 5th एग्जामिनेशन को मैंने एक्स ले लिया, और एवरेज मार्क्स जो है वो कितने चाहिए आपको, 90 और मोर, 90 एंड मोर ले लिया, इन सबको प्लस करेंगे आप। सो आपके सामने प्लस करने के लिए क्या आएगा, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, सो आपका सम आएगा जो 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई किया तो 450।
ये आपका इक्वेशन बन जाएगा 368 + x = 450 ना, 450 मार्क्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर, सॉरी पीछे वाला स्लाइड हो गया, 450। आप इसे देखेंगे x इज ग्रेटर इक्वल टू 450 माइनस 368, तो 368 को माइनस कर दीजिए 450 में से, तो आपको आ जाएगा कि सी शुड और ही शुड गेट एटलीस्ट, तो एटलीस्ट हाउ मच मार्क्स, एटलीस्ट 82 मार्क्स आर रिक्वायर्ड, मार्क्स आर रिक्वायर्ड। आई होप आप समझ गए हो कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। 82 मार्क्स मस्ट बी ऑब्टेन बाय हर और हिम टू अचीव और टू गेट और टू रिसीव ए ग्रेड। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो देखिए आपको पता है कि हम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, हमको रिक्वायरमेंट है कि हमको ऑड पॉजिटिव, देखिए क्या चाहिए हमको, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्या चाहिए हमको, ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो हमको पता और वो भी कॉन्सिक्यूटिव। तो मैं लेट कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर्स, जो हमारे रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं बी एक्स एंड एक्स प्लस टू। आप समझ गए हो एक्स एंड एक्स प्लस टू क्यों लिया, फॉर एग्जाम्पल सपोज देखो 1 3, आप देख रहे हैं कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 1 के पास 1 से हमको 3 में जाएंगे तो प्लस 2 करना पड़ेगा, 3 से 5 में जाएंगे तो प्लस 2 करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जाहिर सी बात है कि x प्लस 2 जो है बड़ा होगा, और ये बोल रहा है दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, लिखा ना बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, तो हम बड़े वाले को छोटा दिखाते हैं तो छोटा वाला तो ऑलरेडी छोटा हो जाएगा ना, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा कि एक्स प्लस टू इज लेस देन, ना स्मॉलर बोलता है लेस देन 10, सो एक्स मस्ट बी लेस देन 8, एक्स की वैल्यू इंडिविजुअली 8 से छोटी होना चाहिए और एक्स प्लस टू की वैल्यू 10 से छोटी होना चाहिए। समझ गए होंगे आप ये बात, सो आई होप आप समझ गए होंगे, हम छोटे वाले में सॉरी जब भी हमको छोटा दिखाना होता है तो बड़े वाले को छोटा दिखा देते हैं तो छोटा तो ऑलरेडी छोटा हो ही जाएगा ना, सो एक कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि देयर सम मस्ट मोर देन 11, तो उनका सम जो है वो क्या होना चाहिए, मोर देन 11, तो x प्लस टू इज मोर देन 11, दिस इज 2x इज मोर देन 9, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, x इज मोर देन 9/2, तो x इज मोर देन 4.5। सो हमको इंटीजर्स हैं रिक्वायर्ड इंटीजर्स, तो हमारे रिक्वायर्ड इंटीजर क्या होंगे, 4.5 से बड़ा, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी तो 5 होगी पहली, 5 के बाद पहला नंबर 5 है, दूसरा 7 होना चाहिए, तो अगर पहला नंबर 7 तो दूसरा 9 होना चाहिए, है ना, तो दो ये पेयर हो गए ना, ध्यान रखिए 9-11 विल नॉट बी पॉसिबल क्योंकि दोनों नंबर 10 से छोटे होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड पेयर जो आगे वो क्या क्या आगे हमारे रिक्वायर्ड पेयर आर 5, 7 and 7। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, सेम वे में ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आई रिपीटेड। देखिए यहाँ पर भी हम देखेंगे a1 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो वी कैन सॉल्व दिस वन आल्सो, सो ये बोलना चाह रहा है कि ऑल फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव a1 पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, देखिए ये लार्जर की बात कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिए, लेट एक्स एंड एक्स प्लस टू आर रिक्वायर्ड, ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स, ये रिक्वायर्ड नंबर्स में ले लिए। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि छोटे वाले को बड़ा दिखाते हैं, याद रखिएगा जब छोटा दिखाना होता है हमको तो बड़े वाले को छोटा दिखाते हैं, और अगर बड़ा दिखाना होता है तो छोटे वाले को बड़ा दिखाते हैं, अगर छोटा बड़ा है तो बड़ा तो ऑलरेडी बड़ा होगा, है ना, फंडा याद रखिएगा। तो हम किसको दिखाएंगे, हियर x मस्ट बी ग्रेटर देन 5, एक्स जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स प्लस टू तो ऑलरेडी 5 से बड़ा हो जाएगा, है ना, आई होप आप समझ गए होंगे। अब उनका सम जो है, सम इज लेस देन 23, सम जो है 23 से छोटा होना चाहिए,
सम हम लेंगे एक्स प्लस टू इज लेस देन 23, तो ये आ जाएगा हमारे पास, बहुत आसानी से हम देख पा रहे हैं सॉल्यूशन को। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2x+2 इज लेस देन 23, देन 2x इज लेस देन 21, देन x इज लेस देन 21/2, दैट मींस x इज लेस देन 10.5, है ना। x की वैल्यू 10.5 से छोटी होना चाहिए, ठीक है, आप याद रहेगा x की वैल्यू 10.5 से छोटी होना चाहिए। अब हमको पेयर बताना है, 10.5 समझ गए होगे, हमारे को x की वैल्यू जो है वो 10.5 से छोटी है, और यहाँ दूसरा कंडीशन क्या है, x की वैल्यू जो है 5 से बड़ी है। 5 से बड़ा पहला पेयर जो पेयर आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेयर ऑफ इवन इंटीजर। क्या आना चाहिए, क्या क्या पेयर होना चाहिए हमारे पास बताइए, अगर सोचिए कि क्या क्या हो सकते हैं, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। सो दे कुड बी, ये क्या क्या हो सकते हैं 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा पहला क्या हो गया हमारे पास, 6, तो 8 हो गया, एक 6 से 8 ना, फिर 8 10, है ना, एक 8 10 हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। देख लें एक बार फिर से कि हमको 10.5 से छोटा चाहिए नंबर, तो 10.5 से छोटा आप देखेंगे यहाँ पर, 10.5 से छोटा जो है वो, और इवन नंबर चाहिए, एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है, 6 8 8 10, होप सो अंडरस्टूड ना। सो ये दो हमारे पेयर आ गए, आई होप आप समझ गए होंगे आंसर्स को अच्छे से, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बता सकते हैं, देन वी विल बी सॉल्विंग। आप एक बार कंडीशन को देख लेंगे अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ डाउट है, कुछ है, तो आप बाद में उसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना, बट आई थिंक यू शुड ट्राई। 24th नंबर क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है हमको कि एक और देखिए नेक्स्ट हमारे पास, यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एक्स का वैल्यू, देखिए एक्स का वैल्यू जो है वो 10.5 से छोटा है, तो अगला पेयर भी हम ले सकते हैं ना, देखिए अगला वन मोर पेयर वी कैन टेक, क्योंकि ये हमारा एक्स है और ये एक्स प्लस टू, तो 10 12 ऑल्सो भी देयर। देखिए समझ गए होंगे कैसे, आप देखिए इसका सम जो है 14 है, इसका सम 18 है, इसका सम 22 है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। 6 8, ये देखिए आपका पहला वाला नंबर जो है वो हमेशा 5 से बड़ा हो, तो देखिए सारे पहले वाले प्लेस पर जो नंबर है ऑल द नंबर्स आर ग्रेटर देन 5, दूसरा नंबर जो है यहाँ पर वो x प्लस टू से छोटा होना चाहिए, है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि x की वैल्यू, ये हमारे x की वैल्यू का बोल रहा है, देखिए बहुत अच्छे से बात याद रखिएगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट x प्लस टू, है ना, यहाँ की बात हो रही है x की वैल्यू 10.5 से छोटी, तो मतलब फर्स्ट प्लेस जो है द फर्स्ट प्लेस शुड बी ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10, तो यहाँ सॉरी लेस देन 10.5। अब समझ गए होंगे तीन पेयर हमारे आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, इतना समझ गए हैं तो देन मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो आई विल बी सॉल्विंग द गिविंग द नेक्स्ट वीडियो इन फॉर द ग्राफिकल सॉल्यूशन इन ऑल। सो वी वॉन्ट टू कंक्लूड, मैं इसको एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूँ यहाँ पर, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम ब्रिंगिंग टू यू, आपके लिए मैं लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की वो शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है ना। ओके आप देखेंगे क्वेश्चन को अच्छे से, आपको साथ अगर जब भी आप पढ़ने बैठे तो प्लीज टेक द एनसीईआरटी विथ यू, एनसीईआरटी साथ लेके बैठेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी बातें। तो आप यहां देखेंगे द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। सो देखिए मैं यहां पर सॉल्यूशन लिखना चाहूंगा इसका, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। तो देखिए सॉल्यूशन आई स्टार्ट, तो मैंने लेट कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स सेंटीमीटर, है ना, शॉर्टेस्ट साइड, देयर फोर हमारे पास क्या हो जाएगी, द लॉन्गेस्ट साइड विल बी, यहां बोल ही रहे, देयर फोर द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट
साइड इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर, थ्री टाइम्स बोल रहा है वो। देन आपको थर्ड साइड, थर्ड साइड बोल रहा है कि थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। सो नाउ वी कैन राइट थर्ड साइड जो है वो 3x में से कितना कम कर दो, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन, ना आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। अब पेरीमीटर तो आप जानती हैं, व्हाट इज अ पेरीमीटर, पेरीमीटर दैट मीन्स सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर जो है इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट साइड आई टुक, शॉर्टेस्ट साइड x लिए है, लॉन्गेस्ट साइड 3x लिए है, एंड थर्ड साइड 3x माइनस 2 ली है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। 3 and 3 6, 6 plus 1 7x is greater than equal to 61 plus 2, so this is 7x is greater than equal to 63, so we can divide 7x is greater than equal to 63 by divide by 7, x is greater than equal to 9 centimeter. So the minimum, that means minimum length of the third side must be 9 centimeter. Minimum कितना होना चाहिए, 9 centimeter. 9 centimeter से छोटा नहीं होना चाहिए, 9 से कितना बड़ा जा सकता है वो इन कंडीशंस पर डिपेंड है, बट मिनिमम साइज मस्ट बी 9 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो नाइसली। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल बी गोइंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने सेम क्वेश्चन है, मैंने इसको रिपीट कर लिया था ताकि हमको समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सपोज वी हैव बोर्ड ऑफ टोटल लेंथ ऑफ 91 सेंटीमीटर, हमको यहाँ पर 3 लेंथ कट करनी है, कंडीशन ऑलमोस्ट ऊपर जैसी है। तो यहाँ बोल रहा था सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। सो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पर बात कर ले हैं कि भाई कौन कौन सी लेंथ हमारे पास आ जाएंगी, तो हमने लेट कर ले यहाँ पर सोल्यूशन हम राइटिंग। देखो सोल्यूशन हम शुरू कर लेते हैं, हम लेट कर लें, लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी एक्स, है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ जो है वो एक्स सेंटीमीटर होगी ना, बिकॉज दी और दीज ऑल आर गिवन इन सेंटीमीटर, तो आई एम टेकिंग एक्स सेंटीमीटर। सो देयर फोर आपके पास समझ में आ रहा होगा कि शॉर्टेस्ट लेंथ जो है, तो ये हमारी फर्स्ट लेंथ हो गई समझ में, तो सेकेंड लेंथ है ना इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो हमारे पास सेकेंड लेंथ हम ले रहे हैं यहाँ पर, सेकेंड लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, एंड नेक्स्ट जो हमारी थर्ड लेंथ है एज टू बी ट्वाइस, वो ट्वाइस है, तो थर्ड लेंथ जो होगी हमारी, एंड एंड थर्ड लेंथ इक्वल्स टू 2x सेंटीमीटर। टोटल लेंथ तो आपको दी हुई है यहाँ पर, ये तो क्लियरली मेंशन है कि टोटल लेंथ जो है वो इतनी होना चाहिए, तो विल टेक दैट टोटल लेंथ ना, तो यहाँ पर हम टोटल लेंथ ले लेंगे। सो देखिएगा टोटल लेंथ, टोटल लेंथ